हेलो एवरीवन, माय नेम इज देवांशु पोरवाल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक वैफरी। क्वेश्चन, जैसा कि पहले मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में काफ़ी चीज़ें बता चुका हूं और उसी के बाद आज मैं पीरियड्स के बारे में बताने जा रहा हूं आप लोगों को कि नंबर सिस्टम में या नंबर्स में पीरियड्स कैसे डिनोट करते हैं और कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पीरियड्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। वन नंबर इज रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ईच ग्रुप ऑफ डिजिट्स सेपरेटेड बाय अ कॉमा इज कॉल्ड अ पीरियड। जब हम किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं और उसमें हर डिजिट को कॉमा से सेपरेट करके दिखाते हैं, उसको हम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि पीरियड्स इन नंबर इंडियन नंबर सिस्टम में हम पीरियड्स को कैसे डिनोट करेंगे। तो आपको समझाने के लिए मैंने आप यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है और ऊपर इनके प्लेसेस भी लिखे हुए हैं। सो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ओके, तो अब पीरियड कैसे बताते हैं तो इसकी आगे मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको वंस, टेंस, हंड्रेड, आपको जो लेफ्ट राइट हैंड से जब हम लेफ्ट हैंड की तरफ बढ़ते हैं नंबर में, तो आपको स्टार्टिंग के जो तीन डिजिट्स होते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, तो ये तीनों डिजिट्स जो होते हैं इनका एक पीरियड बनता है, उस पीरियड को हम बोलते हैं वंस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वंस। इसके बाद हमारा आता है थाउजेंड और 10,000। हम कभी 10 को नहीं बोलते हैं। ठीक है, पीरियड जब भी हम बोलते हैं तो पीरियड का जो बेस नेम होता है, बेस नेम हम ये देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। थाउजेंड दोनों में आ रहा है, 10,000 और थाउजेंड, तो दोनों में थाउजेंड कॉमन है या म्यूचुअल आ रहा है, तो हम इस जो यही बेस मानते हैं और इसी का नेम लिखा जाता है। तो इसमें जो पीरियड हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा थाउजेंड। ठीक है, तो हमारा इसमें कौन सा पीरियड हुआ, थाउजेंड। अब सेम इसके लिए भी यही हो जाएगा, 10 लाख, और लैक के लिए हमारा पीरियड हो जाएगा लैक। ठीक है, और सेम करोड़ के लिए भी हो जाएगा, यहाँ पे हमारा पीरियड हो जाएगा करोड़। ओके, इसको हम CR से डोनेट करते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा तरीका जिससे कि हम बताते हैं कि इंडियन नंबर सिस्टम में हमारे पीरियड्स कौन कौन से हैं। ओके, तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लिए जाएँ। मैंने आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये पीरियड्स एग्जाम में या इनका जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे वो कैसे करना होता है बुक में। ठीक है, जो CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड के अकॉर्डिंग जो होता है वो क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। तो फर्स्ट हमारा नंबर लिखा हुआ है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। ये हमारा 10,000 प्लेस तक दिया हुआ है। ठीक है, इसमें 5 डिजिट्स हैं और अब इसमें 2 अंडरलाइन डिजिट्स हैं, इनका हमें पीरियड बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे पीरियड ऑफ सिक्स, सेम हम 8 के लिए भी लिख लेंगे। तो अब इसमें कैसे बताएंगे, हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कौन सा डिजिट किस प्लेस में जा रहा है। तो 1, 10, तो पहला हमारा जो 6 है वो हमारा टेंस में जा रहा है, और जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है जो टेंस है वंस, टेंस, हंड्रेड, ये तीनों किस में आते हैं, वंस में। तो इसका हमारा पीरियड क्या हो जाएगा, वंस। ठीक है, और अब हम 8 के लिए पढ़ते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। तो आपको पता है थाउजेंड या 10,000 किस में जाएगा, हमारा थाउजेंड में। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि जो हम डिजिट्स जो प्लेस के अकॉर्डिंग रीड करते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारा पीरियड भी आता है। ठीक है, तो वंस, टेंस, हंड्रेड हमारा वंस बने जाए वंस में जाएगा, और थाउजेंड, 10,000 हमारा थाउजेंड में जाता है, लैख और 10 लैख हमारा लैख में, और करोड़ और 10 करोड़ हमारा करोड़ में जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, और सेम इसके लिए भी लिख लेंगे पीरियड ऑफ 8 एंड पीरियड ऑफ 4। तो अब हम यहाँ पे काउंट करेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। तो थाउजेंड और 10,000 हमें पता है हमारा किस में जाएगा, थाउजेंड में। इसके बाद हमारा है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख, 10 लैख, और लैख और 10 लैख वाला भी हमें पता है किस में जाता है, लैख में। ठीक है, तो ये था हमारा वे
जिस तरीके से हम पीरियड्स को डिनोट करते हैं, बताते हैं किसी नंबर में कौन सा पीरियड है, कौन सी डिजिट पे कौन सा पीरियड है, ठीक है। और ऐसे ही आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी करने को मिलेंगे। सो आई होप आपको इंडियन नंबर सिस्टम समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस लॉकडाउन में स्कूल तो बंद चल रहे हैं। तो मैं आपको यही कोशिश है मेरी कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाया जा सके और आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पीरियड्स को हम कैसे डिनोट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया हुआ है 3562047999, ठीक है। इसमें मैंने ऊपर जो प्लेसेस लिखे हुए हैं वो इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं। 1, 10, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000, 10,000,000, 100,000,000, ठीक है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, जो पहला वीडियो मैंने बनाया था नंबर सिस्टम में, उसमें मैंने आपको इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जो प्लेसेस होते हैं वो बताया था और की प्लेस वैल्यूज भी निकालनी बताई थी। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर टाइप करके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो हम लेके चल रहे हैं, हमारा इंटरनेशनल में होता है कि हम 1, 10, 100 तो हमारा सेम रहता है इंडियन की तरह, और इसमें चेंजिंग आती है 1000 में। जैसे इंडियन में होता है 1000 और 10,000, लेकिन इसमें 100,000 भी बढ़ता है। और इसके अलावा इसमें 100,000 के बाद लाख ना आके मिलियन से स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है। तो उसमें आएगा 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000, 100,000,000, ठीक है। तो उसमें 3-3 के पेयर बनते हैं, ओके। तो इसमें 1, 10, 100 हमारा जाएगा वंस में, और हमारा 1000, 10,000, 100,000 हमारा जाएगा 1000 में, ठीक है। और हमारा मिलियन, 10,000,000, 100,000,000 मिलियन में जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जो पीरियड्स होते हैं वो कैसे डिफाइन किए जाते हैं और कैसे उनको अलग अलग किए जाते हैं, ठीक है। तो वंस, 1000, 1,000,000। तो चलिए अब इसको क्वेश्चंस भी कर लिए जाएं। तो यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा हुआ है 7746984। तो इसको सबसे पहले प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, ओके। तो एज यूजल हम इसमें भी यही लिखेंगे, पीरियड ऑफ 9, और सेकेंड वाले के लिए भी लिख लेंगे, सो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया हुआ था कि 1, 10, 100 का किस में जाएगा, वंस में, 1000, 10,000, 100 का किस में जाएगा, 1000 में, ठीक है। तो हमारा ये किस में जा रहा है, 1, 10, 100 तक आ रहा, तो हमारा ये कौन सा पीरियड होगा, वंस। तो इसको हम लिख देंगे वंस, और 7 के लिए 1, 10, 100, 1000, 10,000 और 100,000, ये हमारा 100,000 तक पहुँच रहा, तो ये भी किस में जाएगा, ये हमारा जाएगा 1000 में, ठीक है। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि इसमें जो इंटरनेशनल में प्लेस वैल्यूज होती हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि इसमें 100,000 भी आता है और इसके बाद लाख ना होकर मिलियन से स्टार्टिंग होती है, वो भी 100,000,000 तक जाती है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए प्लीज़ इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी हम पहले लिख लेंगे पीरियड ऑफ 0 एंड पीरियड ऑफ 6। तो अब हम फिर से प्लेसेस काउंट करेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, ये हमारा 10,000 में जा रहा है, तो आपको पता है ये भी किस में जाएगा, 1000 में। नेक्स्ट हमारा है 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000, तो ये हमारा 10,000,000 में जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मिलियन, 10,000,000, 100,000,000 किस में जाएंगे, मिलियन में, तो इसको भी हम मिलियन में रखेंगे। तो देखा स्टूडेंट्स, ये कितने सिंपल हैं और मैंने आपको बहुत ही ईजी वे में समझाने की कोशिश की है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और अगर आपके मन में कोई और डाउट है या किसी स्पेसिफिक टॉपिक के लेके अगर डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमारा पेज भी है जिस पर मैं आपको हैंड रिटन नोट भी प्रोवाइड कराता हूँ।
सो अगर आपको कोई और भी क्वेरी है तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे मैं जो पोस्ट डालता हूँ आप उन पे भी लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि अदर स्टूडेंट को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, सो मिलते हैं स्टूडेंट अगली बार नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।